नमस्कार, पीपीडी खबर में आपका स्वागत है। 6 किलोमीटर का सफर एक घंटे में तय करती है यहाँ की एम्बुलेंस 108, जबकि आप सभी जानते हैं कि एक पैदल व्यक्ति भी एक घंटे में 6 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है और एक साइकिल सवार भी एक घंटे में 14-15 किलोमीटर का सफर तय कर लेता है, परंतु आपातकालीन सेवा में लगी एम्बुलेंस एक घंटे में 6 किलोमीटर ही चल सकी। जी हाँ, यही है हमारे प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं। खबर उत्तर प्रदेश जनपद एटा के ग्राम भदुआ से है। बात शनिवार तड़के की है। ग्राम भदुआ में एक गर्भवती महिला दर्द से बेचैन थी। शनिवार सुबह 4:26 पर 108 एम्बुलेंस के लिए फोन किया गया। एम्बुलेंस पिलुआ पर थी, जहाँ की ग्राम भदुआ से दूरी मात्र 6 किलोमीटर है। गाड़ी एक घंटे बाद मौके पर पहुंची। उधर परिजन अपने किसी साधन से महिला को अस्पताल ले जाने लगे तो रास्ते में ही डिलीवरी हो गई। उधर एक घंटे बाद एम्बुलेंस पहुंची तो ग्रामवासियों ने एम्बुलेंस चालक को आड़े हाथों ले लिया। चालक ने चौंकाने वाली बात बताई। उसने कहा कि अधिकांश गाड़ियां चालू हालात में नहीं हैं, किसी में टायर नहीं है तो कोई पंचर है। देखिए क्या कह रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के ये नुमाइंदे। पत्रकार चंद्रवीर राजपूत की रिपोर्ट। 4 बजे तन तन थे और जी कै बजे जा रहा है वो बताओ। बच्चा हुई हो तो क्या हुई हो? 5:45 सही घंटा भर है पूरा। आपने 4 बजे फोन किया था, 4 बजे के बाद कॉल की है और 1 घंटे में गाड़ी लगा, गाड़ी आ पाई है। एक घंटे में मतलब गाड़ी आने में 1 घंटा लगा है। घंटा लगा है गाड़ी, डिलीवरी घर ही हो गई, रास्ता में रास्ते में डिलीवरी हो गई। जो आप 108 एम्बुलेंस से आए हो कम से कम 1 घंटे में, ये देर क्यों हो जाती है आपको? अरे ऐसा है सर, बात ये है कि कुछ गाड़ियाँ खराब चल रही हैं, इसके टायर फटे हुए हैं, कुछ में फ्यूल की दिक्कत हो रही है, कुछ गाड़ियों में तेल नहीं है। इस वजह से जो हमारी बैकअप है, हमारी गाड़ी के भी टायर फटे हैं। हम पिलुआ से हैं, जो दूसरी बैकअप गाड़ी आई है तो गाड़ियाँ कम हैं, चल रही हैं, इधर उधर के केस, दूर दूर के केस आ रहे हैं, इसलिए थोड़ी देर हो जाती है। दिक्कत ये है मतलब गाड़ियों खराब होने की वजह से देर हो जाती है। हाँ जी, गाड़ियाँ कई खराब चल रही हैं, किसी में फ्यूल नहीं है, किसी में टायर फटे हुए हैं, कई गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। भैया जो आप पिलुआ से आए हो, जो होम डिलीवरी हो गई थी घर पे, तो उस बच्चे को आपने देखा तो क्या स्थिति है उसकी? बच्चा एकदम ठीक है, पल्स रेट भी अच्छी है उसकी और एक्टिविटी भी है, ब्रीदिंग भी है। बच्चा अच्छे से चिल्ला भी रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। पल्स रेट अच्छा है, SpO2 भी ठीक है। और रही बात फर्स्ट एड की, तो फर्स्ट एड में अच्छे से बच्चे को ट्रीट किया है। और जो इनका जो खराई वराई का सिस्टम है, जो प्लेसेंटा बोलते हैं, वो भी आ चुका है। बच्चा और बच्चा दोनों एकदम फिट हैं, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। ज्योतिषीय परामर्श के लिए संपर्क करें संस्कार वाटिका रोडवेज के सामने, प्रथम तल नीलम मार्ग के GD रोड एटा, पंडित आचार्य गोविंद माधव दुबे।